हमने आपको कथा श्रवण कराई। हमारे बापू के परिवार जनों ने, गांव जीवना के भक्तों ने, आसपास के भक्तों ने, रिश्तेदारों ने मेरा बहुत सम्मान किया। जन्मभूमि तो चलती तेरन बसते गाँव की गला तू जन्मभूमि तो चलती तेरन बसते और तेने पया से जाता है कीर्तन बोलो, अगर तक मुंह से निकल गए हुए तो बहने अपना भाई और माता ने अपना बेटा समझ करके मुझे माफ कर दे। मेरे पिता तुल्य बजरंग मुझे अपना पुत्र समझ करके माफ कर दे। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दुनिया में जितने कथा बात सके सबसे छोटा और छोटों से भी छोटा। चलो जाऊ तो जो मत कहियो भैया को कमाई चली जाऊ तो जो मत कहियो भैया को कमल साथी मेरे बैठे थे निकाय अमल कराते आपके सामने। ये जो हमारे कमल शास्त्री जो करते गौर रसैनी के रहने वाले कमल शास्त्री मेरे कहते देने का हवन कराते हमसे पहले मेरे भैया सुंदर कथा तो ढोलक पर संगति कर रहे हैं बेटा सतवीर पावर गांव आसनपुर से। और इनसे पहले जो ढोलक बजा रहे थे हमारे छोटे भाई विनोद नगला गुलरिया से, ये दोनों ही बेटा मेरे साथ रहते हैं और मेरा पूरा साथ रहा। सतवीर बेटा यासलपुर को ढोलक बजाई मेरी भाभी को प्रेमी रेता पट्टी बालो चिमका दो खनकाई और सुबह तो बेटा फिरोजाबाद को करा रहो छटकाई मेरो भैया देखो चैनल रो चलाई आपके कैमरा लगाए रिजिट स्टूडियो इसके प्रॉपर आए कहीं जो हमारे आशीष त्यागर जी गहरी वाले आशीष मेरो भैया देखो चैनल रो चलाई सुंदर कथा को मेरो भैया रहो गीत पहुंचाई में प्यारों से
दुनिया में गुरुदेव हो तो मेरे जैसे हो परीक्षित महाराज। मैं बहुत छोटा गुरु जी के साथ गया था, पढ़ाया लिखाया अपने पैसे से, और यहाँ तक मेरे सारी संबंध भी गुरुदेव ने कराया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, जब जब जन्म मिले, गुरु मिले तो उनके शास्त्री जैसे मिले, उनके अंदर कोई कपट कोई छल नहीं है। और कथावाचक दूसरे के मंच पर आते हैं तो सारा पैसा ले जाते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव आज तक मेरे मंच से कहीं से एक रुपया लेकर के नहीं गए। आज भी उतना ही प्रेम है, मैं 15 वर्ष तक साथ रहा लेकिन मैं हटा नहीं। परीक्षित महाराज मेरे गुरुदेव ने स्वयं मुझसे कहा कि बेटा अब आप अलग कथा को हम आपको बता देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। धन्य है मेरे गुरुदेव। अपने गुरु यदि मुकेश को नीति लोई चित्त कहाओ, तन मन धन से मेरे गुरु जी ने आगे मोई बढ़ाओ। तन मन धन से मेरे गुरु जी ने आगे मोई बढ़ाओ। जगमो अजान को मेला उड़ जाए को अंत अकेला, जगमो अजान को मेला कथा में से जाए तो कोई चीज जरूर लेकर के जाए। तो माताएं अपने घर में बत्ती दीपक नहीं जलाती, वो आज से जलाना शुरू कर दे तो कथा का पूरा लाभ मिलेगा। और प्रेम से नहीं, संसार में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा न करे। मेरे नौजवान भाई अपने माता पिता की सेवा करें, बहुएं अपनी सास की सेवा करें, कथा का पूरा फल और पूरा धर्म तुम्हें मिलेगा। ध्यान देंगे कल भंडारा होगा परीक्षित महाराज, तो ये आनंद कल नहीं है। सभी नौजवान भाइयों से, ग्रामवासियों से, पास पड़ोसियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भंडारे में सब लोग भाग लें और अपना समझ करके कार्य करें। हमारे बापू ने जो ये मेला लगवाया है, इन्होंने धन खर्च किया है, तो आप तन से इनकी मदद करें। धन्यवाद। और बहुत सुंदर स्वभाव है मेरे बापू का, ठीक है, जब तक जिंदगी रहेगी बापू भूलेंगे नहीं। तभी तो कैमरा लगवाओ तो आपका फोटो देखते रहेंगे। कथा समापन भैया जो घर अपने जाएंगे, और भोग पाव जो होता दिन फिर आवेंगे। बापू भोग पाव फिर होता दिन फिर पार त्यारी ले जाएगी नैया।
करे रहियो हमारियो ध्यान मार जाएगी मैया कमल की गलत कोई ध्यान न लावे भैया जा पागल ध्यान न लावे कथा का लोप होता जा रहा है परिचित महाराज कथा वाचक भ्रष्ट होते जा रहे हैं। पहले तो कथा सुखदेव जी महाराज ने कही लेकिन अब सुखदेव ही सवार रह गए लेकिन जो रामनाथ महाराज जी ने ये बगिया लगाई है वो अब कट रही है परिचित महाराज क्या हाल हो रहा है नदी का आप लोगों ने पूछा हम तो ये दबते फकीर कल याद करो हम तो ये दबते फकीर वृंदावन बिहारी लाल की।